आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। अम्बेडकर नगर में नगर निकाय चुनाव की तैयारियां तेज, प्रत्याशियों से संवाददाता ने की खास बातचीत। प्रयागराज में परिषदीय छात्रों के भविष्य से खिलवाड़, प्राथमिक शिक्षक नहीं पहुंच रहे स्कूल। गोला गोकरनाथ सीट पर जंग, बीजेपी और सपा के बीच महामुकाबला। औरैया में कंटेनर ने ऑटो को मारी टक्कर, ऑटो सवार सभी हुए घायल। लखनऊ में पेंटिंग प्रतियोगिता में युवाओं ने भरी कल्पना की उड़ान, नगर विकास विभाग का अनूठा आयोजन, स्थानीय निकाय निदेशक नेहा शर्मा भी रही मौजूद। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी और मैं हूं आपके साथ नंदिनी यादव। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों का, रुख करते हैं खबर की ओर। योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को योगी कैबिनेट की बैठक हुई, वहीं इस बैठक में 22 प्रस्ताव पर मुहर लगी है। साथ ही कैबिनेट बैठक में कई प्रस्ताव को मंजूरी भी मिली है। इसके साथ ही प्रदेश में शीरा नीति को मंजूरी मिली है और अब माध्यमिक बेसिक शिक्षा का एक ही महानिदेशक होगा, जबकि पहले दोनों विभागों के अलग अलग निदेशक होते थे। यूपी की गोला गोकरनाथ सीट पर बीजेपी और सपा प्रत्याशी के बीच सीधा मुकाबला है। दोनों ही प्रत्याशियों ने वोटिंग से पहले मंदिर में पूजा की। इस सीट पर उपचुनाव में 7 उम्मीदवार मैदान में हैं। बता दें कि गोला गोकरनाथ सीट पर मेन मुकाबला बीजेपी प्रत्याशी अमन गिरी और सपा प्रत्याशी विनय तिवारी के बीच है। 3.91 लाख मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे और ये सीट बीजेपी विधायक अरविंद गिरी के निधन के बाद खाली हुई है। गोला गोकरनाथ विधानसभा सीट पर वोटिंग जारी है। वहीं चुनाव आयोग ने जारी आंकड़ों के अनुसार बताया कि 23.56% वोटिंग हुई है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता धीरज हमारे साथ जुड़ेंगे। धीरज, बीजेपी और सपा के बीच आज गोला गोकरनाथ सीट पर महामुकाबला है, इसको लेकर और क्या कुछ अभी तक अपडेट सामने आ रही है? जी बिल्कुल, गोला विधानसभा में सुबह 7 बजे से एक 441 बूथों पर जो मतदान शांतिपूर्वक चल रहा था, 1 बजे तक जो मतदान हुआ है वो करीब 34% मतदान हो चुका है। जो 441 बूथ बनाए बाकायदा शांतिपूर्वक, अभी तक पोलिंग बूथ सुचारू रूप से चालू है, चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था के बीच में जो वोटर अपने मत का प्रयोग कर रहे हैं। जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ अभी वहां पर तैयारियां की गई हैं? जी बिल्कुल, जिला प्रशासन की तरफ से सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जा चुकी है पूरी तरीके से। हर बूथ पर जो है सीआरपीएफ के जवान और पुलिस फोर्स भारी। अभी तक वहां पर कितनी प्रतिशत वोटिंग हो चुकी है धीरज? 7 बजे से लेकर 1 बजे तक का जो वोटिंग प्रतिशत वो करीब 34% का है। धीरज,
और हमारे साथ एक बार धीरज फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। धीरज, स्थानीय निवासी किस मुद्दों को रख कर वहाँ पर वोटिंग कर रहे हैं? जी बिल्कुल, गोला विधानसभा में जो युवक आए वो बेरोजगारी और सरकार के जो दावों पे जो सरकार ने जो वादे किए थे उनको लेकर के मतदान किया जा रहा है वहीं पर। इसमें एक बात और आपको बता दूं, इसमें मैं गोला विधानसभा के सिकंदराबाद पोलिंग बूथ पर मौजूद हूं, जहां पर जिले के आला अधिकारी डीएम और एसपी मौके पर सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए भी पहुंच चुके हैं। धीरज जी, बताइए कि महिला मतदाताओं की कितनी भागीदारी वहां पर देखने को मिल रही है? जी बिल्कुल, महिलाओं में काफी जोश सुबह से ही देखा जा रहा है। महिलाओं ने सुबह से घर से निकल करके बूथों पर पहुंची हैं और बराबर अपने मत का प्रयोग कर रही हैं। तो और युवक सबसे ज्यादा जो जागरूक गोला विधानसभा में युवक दिख रहा है। धीरज, ये बताइए कि जो वहां के बुजुर्ग हैं उन्हें क्या कोई दिक्कत परेशानी हो रही है, क्योंकि अभी वोटिंग देने जा रहे हैं वो लोग, तो क्या कुछ तैयारियां की गई हैं उन लोगों के लिए खास? बिल्कुल, हमारी बुजुर्ग जो वोटर हैं उनसे बात हुई है तो उन्होंने ऐसी कोई दिक्कत नहीं बताई है। जो बाकायदा किसी न किसी वाहन से आकर के जो सेंटर बनाया गया है पोलिंग बूथ वहां पर आकर के वोट डाल रहे हैं, और अगर कोई ऐसा है तो उसके लिए जिला प्रशासन के द्वारा व्यवस्था भी की गई है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका धीरज। आज आपने वोट डाला, किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया है? किन मुद्दों को लेकर आपने मतदान किया? हमारा देश तरक्की करे और क्या है? देश तरक्की करे, हमारा देश तरक्की के नाम पर आपने वोट डाला है। आज आपने गोला विधानसभा में मतदान के किन मुद्दों को लेकर क्या विचार है, ऐसे कि काम वोट किया? देखिए, पहली बात तो ये है कि मैंने अभी तक एक दो बार और पहले वोट डाला है, तो मैंने बीजेपी को ही वोट दिया है। और ये जो बीजेपी पार्टी है तो काफ़ी अच्छा काम करती है, और इस बार हमें उम्मीद है कि आगे और अच्छा काम करेगी, क्योंकि एक हमारा जो शिव मंदिर है यहाँ का गोला का, जो छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, तो इसका कॉरिडोर बनने वाला है। तो आशा है कि इसमें आगे काम में और प्रोग्रेस होगी और अच्छे कामों को अमन गिरी जो है वो करें। तो क्यों नहीं आए? सारे लोग यहाँ पे थे, हमारे प्रदेश अध्यक्ष श्री नरेश उत्तम जी यहाँ पे थे, उन्होंने 20 दिन 3 हफ्ते यहाँ पे लगभग हमने उनको दौरा कराया, और लखनऊ से सारे लोग थे। आप लोग ये जानना चाह रहे हैं बड़ा चेहरा? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ, जितने लोग हैं समाजवादी एक परिवार है, और हमों में इतनी ताकत होती है कि हम सब एक दूसरे को बड़ा चेहरा मानते हैं और आगे चल के पुश करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जो बीजेपी है, एक उपचुनाव के लिए 40-30 मंत्री यहाँ पे उन्होंने उतार दिए, मुख्यमंत्री जी दो दो बार आ रहे हैं, तो क्या बाकी प्रदेश के एजेंडे खत्म हो गए? उनकी तो सरकार है, वर्चस्व में है वो, पूरा एजेंडा पूरा मंत्रालय खाली रख के जब उनके मंत्री यहाँ घूम रहे हैं तो ये साफ दर्शाता है कि वो डरे हुए हैं। दे आर स्कैड कि अब एक बदलाव आ रहा है, एक सीट से जो है लोग अपनी जो उनके अंदर की आग है उसको दिखाना चाहते हैं कि अब हम इस सीट को बदलना चाहते हैं, क्योंकि अब बहुत हो गया हमारे साथ अन्याय, भेदभाव, और हमारे साथ जितने वादा खिलाफी होनी थी अब हो गई। इस सीट के माध्यम से हम अपनी आवाज़ को भेजेंगे, और देखिए अगर ये हमारे प्रत्याशी पूरी तरह से जीतेंगे। विनय तिवारी जी, यूपी में डेंगू का कहर लगातार बढ़ रहा है। हालात ये है कि मरीजों की संख्या करीब 800 तक पहुंच चुकी है। बुधवार को यहां 28 मरीज फिर मिले हैं। सीएमओ ने बताया कि कार्यालय की ओर से जारी गाइडलाइन का पालन करना होगा। सीएमओ ने बताया कि बुधवार को शहर के अलग अलग हिस्सों से 28 मरीज मिले हैं, जिसमें चिन्हट में 4, अलीगंज में 6, चंदनगर में 5, सरोजनी नगर में 2, ऐशबाग में 2, इंदिरा नगर में 5, मोहनलालगंज में 1, एनके रोड में 2, टूडियागंज में 1 केस पाए गए। उन्होंने बताया कि लगभग 2176 घरों व आसपास मच्छर जनित स्थितियों का सर्वेक्षण किया गया, और कुल 3 घरों में मच्छर जनित स्थितियां पाए जाने पर नोटिस जारी किया गया। साथ ही प्रयागराज में भी स्थिति भयावह है। और इस पे चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता पवन पटेल हमारे साथ प्रयागराज से जुड़ रहे हैं, और विवेक शाही लखनऊ से हमारे साथ जुड़ रहे हैं।
विवेक, राजधानी लखनऊ में लगातार डेंगू का कहर जारी है और मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। लखनऊ सहित प्रदेश के बाकी शहरों में ये डेंगू का प्रकोप दिन प्रतिदिन बढ़ते चला जा रहा है और खास तौर पे भी अगर राजधानी लखनऊ की बात करें, क्योंकि प्रदेश की राजधानी है, यहाँ जो प्रकोप जो है एकदम पूरी तरह से फैल चुका है, जनता इसे त्रस्त हो चुकी है। रोज जो है डेंगू के मामले जो है बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर कल की डेट की बात की जाए तो कल डेंगू के कुल 28 नए संक्रमितों की पुष्टि हुई है और जो आंकड़ा है, जो कुल संक्रमितों की संख्या जो है वह अब 750 के पार चली गई है। मैं आपको बता दूं कि जैसे कि राजधानी लखनऊ के जो शहरी इलाके जैसे इंदिरा नगर हो गया, अलीगंज हो गया, ऐसे कई इलाके जो है वहां पे अभी प्रकोप बढ़ने लगा है और धीरे धीरे जो है ये ऐसा लग रहा है कि विभाग के कंट्रोल से बाहर चीजें होती दिख रही है। वहीं स्वास्थ्य मंत्री ब्रजेश पाठक ने इसको लेकर लगातार उनकी मीटिंगें जो है स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ चल रही है, कैसे इसके रोकथाम के लिए भी दस्तकार करनी जरूरत है वो दिशा निर्देश दे रहे हैं, लेकिन नए मामले जो है लगातार जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा मात्रा में। विवेक, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ सख्त कार्रवाई की जा रही, क्योंकि लगातार डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, कहाँ कहाँ छिड़काव करवाया गया है शहरों के अलग अलग इलाकों में? जी, मैं आपको बता दूं कि नगर निगम की टीम को जो ये अहम जिम्मेदारी जो है वो नगर विकास मंत्री ए के शर्मा के द्वारा जो है वो सौंपी गई थी। अगर उन्होंने अगर उनकी बात की जाए तो 1 नवंबर से 15 दिसंबर तक जो है एक कार्यक्रम एक चलाया हुआ है नगर विकास पखवाड़ा के नाम से, जिसके अंतर्गत जो है राजधानी लखनऊ के तमाम निकायों में जो साफ सफाई और फॉगिंग की जो सुविधा है, एंटीलरों का छिड़काव जो है वो करने के सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने ये भी निर्देश दिया कि इन 15 दिनों में किसी भी कर्मचारी को कोई छुट्टी ना दिया जाए। तो युद्ध स्तर पर जो है ए के शर्मा जो है अपने विभाग को जो है उनकी टीम को जो है वो काम करने के लिए निर्देश देते रहे हैं, लेकिन अभी भी ऐसे कई इलाके हैं जो इन सारी सुविधाओं को अगर फॉगिंग की बात की जाए, एंटीलर्वा की छिड़काव की जाए तो वो उस तरीके से वहाँ चीजें नहीं हो पाई है जिस तरीके से डेंगू के रोकथाम के लिए, लार्वा पनपने के रोकथाम के लिए जरूरी है। अब पवन से जानते हैं, पवन, प्रयागराज में स्थिति इतनी भयावह हो चुकी है, डेंगू के मरीज लगातार बढ़ रहे हैं, क्या कुछ प्रशासन की तरफ से तैयारियां की गई है? देश को प्रभावित किया और ऐसे में अब जो डेंगू का प्रकोप है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अगर कुंभ नगरी प्रयागराज की बात की जाए तो कुंभ नगरी प्रयागराज में इस समय जो डेंगू के मरीजों की संख्या वो 900 से करीब 1000 के आसपास की है। हालांकि 36 लोगों से मौत की बातें सामने आई है, आधिकारिक रूप से अभी तक 6 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है और जिस तरीके से लगातार जो डेंगू के मरीज है वो प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं तो ऐसे में जो स्थिति है वो निश्चित रूप से भयावह है और एक चिंता का विषय बनी हुई है कि जिस तरीके से कुंभ नगरी प्रयागराज में लगातार जो डेंगू के प्रकोप है वो बढ़ता जा रहा है और डेंगू के मरीजों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ती जा रही है। अगर बात की जाए इस समय प्रशासन की तो निश्चित रूप से प्रशासन की कहीं ना कहीं एक कमी भी सामने देखने को मिली है, क्योंकि नगर निगम की यह पूरी जिम्मेदारी होती है कि एंटी लार्वा जैसे तमाम चीजों का छिड़काव किया जाए जो बीमारी जनित बीमारियों को खत्म करती है, लेकिन अगर शहरों की बात की जाए तो शहर में जो स्थिति है वो निश्चित रूप से चिंता का विषय है और जो एक सबसे बड़ी यहाँ पे समस्या है लोगों के सामने ग्रामीण क्षेत्रों की, अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात की जाए तो साफ सफाई को लेकर कहीं भी किसी भी तरह के ना ही अभी तक कोई अभियान चलाया जा रहा है और ना किसी तरीके से सफाई की व्यवस्था की जा रही है, तो निश्चित रूप से जो तस्वीरें हैं वो साफ तौर से स्वास्थ्य महकमे पर एक बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। जी नंदिनी, पवन, इस वक्त अस्पतालों का क्या कुछ निर्देश दिया गया है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मरीज बढ़ रहे हैं तो अस्पतालों की जिम्मेदारी बनती है वहां पर सख्ती से पालन करें गाइडलाइन का? बिल्कुल, अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो जिलाधिकारी लगातार क्षेत्रों का भ्रमण कर रहे हैं, अगर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की बात की जाए तो उन्होंने साफ तौर से कहा है कि किसी भी अस्पताल में प्लेटलेट्स की कोई कमी नहीं है, लेकिन अगर सफाई व्यवस्था की बात की जाए तो कहीं ना कहीं जो लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है वो यही है कि जो गंदगी है, जो जमा हुआ पानी है जिससे ये मच्छर पैदा हो रहे हैं और जो डेंगू का प्रकोप लगातार बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं सफाई व्यवस्था कमजोर है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो डेंगू के मरीज है वो सामने आ रहे हैं, अगर संख्या की बात की जाए तो करीब 1000 के आसपास की पहुंचने वाली है, तो कहीं ना कहीं एक बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर इसके रोकथाम के लिए कड़े कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं और ऐसे में जो लोगों की जिंदगियां हैं वो खराब हो रही हैं और लोग, अगर अस्पतालों की बात की जाए तो अस्पतालों में इस समय लोगों की जो भीड़ है
वो अच्छी खासी है। लोग तमाम तरह की बीमारियों से ग्रसित है और अस्पताल में ओपीडी में देखिए तो लोगों की भीड़ जो है वो देखते हुए बनती है कि लगता है कि पूरा प्रयागराज कहीं ना कहीं बीमारी की चपेट में है और पूरा प्रयागराज जो है अस्पताल के चक्कर लगा रहा है। तो ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के ऊपर एक सवालिया निशान खड़ा हो रहा है कि आखिर इतनी बड़ी बीमारी को रोकथाम करने के लिए अभी तक कोई व्यवस्था क्यों नहीं की गई। जी नंदिनी पवन, क्या प्रशासन की तरफ से छिड़काव करवाया गया है? अगर शहरों की बात की जाए नंदिनी, तो शहर के कुछ गलियों में कुछ मोहल्लों में एंटी लार्वा का छिड़काव किया गया है। जैसे मैंने भी पहले बताया कि सबसे जो स्थिति बदतर है वो ग्रामीण क्षेत्र की है। ग्रामीण क्षेत्र में कोई भी जनप्रतिनिधि किसी भी तरह से अभी तक सामने नहीं आया है कि किसी गांव में या किसी गांव की गलियों में एंटी लार्वा या किसी भी इस तरह की दवा का छिड़काव किया जाए जो बीमारियां पैदा करने वाले कीट मच्छरों को मार सके। तो कहीं ना कहीं ये जो है एक बड़ी कमी है, चाहे वो शहर की बात की जाए चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए। इसीलिए अस्पताल में आज लोगों की जो संख्या है, जो बीमारियों की संख्या है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिख रही है और इसमें स्वास्थ्य विभाग की या नगर निगम की एक बड़ी लापरवाही भी कही जा सकती है। जी नंदिनी, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका पवन। यूपी के कुशीनगर जिला अस्पताल में जिम्मेदार लोगों का शर्मनाक कारनामा सामने आया है, जहां अस्पताल कर्मियों की लापरवाही की वजह से एक घायल शख्स की जान पर बनाई। कुशीनगर के सरकारी जिला अस्पताल में बेइंतजामी के दिल दहला देने वाली तस्वीर सामने आई है। सरकारी जिला अस्पताल में बंद इंतजामी का ये आलम है कि सड़क हादसे में घायल एक शख्स को फर्श पर ही लिटा दिया गया। इस घटना का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वही मौके पर मौजूद प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि घायल व्यक्ति के पास एक कुत्ता घूमता हुआ नजर आया, लेकिन इमरजेंसी में भी एक स्वास्थ्य कर्मी नहीं दिखाई दिया। बता दें कि कुशीनगर से भयावह स्थिति सामने आई है, जहां पर एक घायल व्यक्ति को फर्श पर लिटा दिया गया। बताया जा रहा है कि वहां पर इमरजेंसी वार्ड में कोई भी सफाई कर्मी या वहां पर मौजूद नहीं दिखे मिले। और इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता ज्ञानेश्वर हमारे साथ जुड़े हैं। ज्ञानेश्वर, जिला अस्पताल की इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई है कि घायल शख्स को फर्श पर लिटा दिया गया। जी नंदनी जी, मैं आपको बता दूं, ये पूरा मामला कुशीनगर जनपद के जिला संयुक्त चिकित्सालय का है। यह वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकती हैं कि जो घायल शख्स है उसको बेड पर नहीं बल्कि फर्श पर लिटाया गया है। उसके बगल में एक कुत्ता उसके ब्लड को चाटते हुए नजर आ रहा है। जी जी, प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पर कार्रवाई की गई है इसको लेकर, क्योंकि ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है? जी मैं आपको बता दूं, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक जी का तमाम तरह का दौरा हो रहा है कुशीनगर जनपद के साथ साथ पूरे प्रदेश में दौरे हो रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग को लेकर के तमाम तरह की जागरूकता भी अपनाया जा रहा है। इसी क्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी से दूरभाष पर बातचीत करने पर उन्होंने बताया है यह कहीं न कहीं यह गंभीर मामला है। इसमें जो भी दोषी व्यक्ति है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई किए जाएंगे। यह पूरे मामले की जांच की जा रही है। ज्ञानेश्वर, ये बताइए कि अस्पताल प्रशासन की तरफ से क्या कुछ इस पर लिया गया एक्शन? जी, जैसे ही ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, प्रशासन हरकत में आ गई है और पूरी जांच पड़ताल की जा रही है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। किसी भी संदेश को आमजन तक पहुंचाने के लिए कला एक बहुत ही सशक्त माध्यम है। इसी को ध्यान में रखते हुए नगर विकास विभाग उत्तर प्रदेश की ओर से बुधवार को कला एवं शिल्प महाविद्यालय लखनऊ विश्वविद्यालय के सहयोग से पेंटिंग प्रतियोगिता एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा ने प्रतियोगिता में बनाए गए पेंटिंग्स का अवलोकन किया, छात्र छात्राओं से मुलाकात कर उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने सभी पेंटिंग्स की प्रशंसा की व प्रत्येक पेंटिंग को सराहा।
खबर प्रयागराज से है, जहां केंद्रीय विश्वविद्यालय में देश ही नहीं बल्कि विदेशों से छात्र यहां पर पढ़ने आते हैं। प्राइम टीवी के संवाददाता ने जनपद के परिषदीय विद्यालयों की जांच पड़ताल में पाया कि प्राथमिक शिक्षक समय से पहले ही घर पर चले जाते हैं और प्राथमिक विद्यालय में चारों ओर गंदगी पनप रही है। तो वहीं जनपद में कई दिनों से डेंगू के मरीज बढ़ रहे हैं, ऐसे में प्राथमिक विद्यालय के छात्रों को डेंगू का खतरा बढ़ता जा रहा है। कुंभ नगरी प्रयागराज को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है, लेकिन अगर ग्रामीण क्षेत्र की बात की जाए तो तस्वीरें कुछ और बयां करती हुई नजर आ रही हैं। इस समय मैं मौजूद हूं प्रयागराज के विकासखंड कौंधियारा अंतर्गत प्राथमिक विद्यालय कुर्मियान बरौली ग्राम सभा में, और यहां की जो तस्वीरें हैं निश्चित रूप से एक सवाल को खड़ा करती हुई नजर आ रही हैं, क्योंकि अगर इस समय समय की बात की जाए तो समय 2:37 हुए हैं। अब आप सोचिए कि जहाँ प्रसिद्धि विद्यालय को 3 बजे तक खुलने का सरकारी आदेश है और ये विद्यालय करीब 2:30 ही इसमें ताले लग गए हैं, तो ये जो तस्वीरें हैं ये साफ तौर से शिक्षा विभाग के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा करती हुई नज़र आ रही हैं कि जिस तरीके से संगम नगरी प्रयागराज को शिक्षा का केंद्र कहा जाता है और यहाँ पर नौनिहालों के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये तस्वीरें हैं। और तस्वीरें देखकर साफ तौर पर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नौनिहालों के भविष्य से किस तरीके से खिलवाड़ हो रहा है। ये देखिए, ये प्रधानाध्यापक कक्ष है और अगर समय की बात की जाए तो समय यही 2:37 हुए हैं। अब सोचिए कि एक तरफ जहां शासन परिषदी विद्यालयों को 3 बजे तक के खुलने का आदेश है, वहीं पर जो ग्रामीण क्षेत्रों के परिषदी विद्यालय हैं कोई 2 बजे बंद हो जाते हैं तो कोई 2:30। अब सोचिए कि किस तरीके से शासन के आदेशों की यहाँ पर अनदेखी हो रही है। तस्वीरें देखकर साफ तौर से कहा जा सकता है कि प्रसिद्धि विद्यालयों में नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा रहा है। पवन पटेल, प्राइम टीवी, प्रयागराज। खबर अंबेडकर नगर से है, जहां नगर निकाय चुनाव को लेकर तैयारियों को लेकर सभी उम्मीदवार अपने अपने वादे करते दिख रहे हैं। इल्तिफागंज नगर पंचायत के सलारगढ़ हमारे संवाददाता ने जनता और प्रत्याशी से खास बातचीत की है। नगर निकाय का चुनाव नज़दीक है, ऐसे में चुनाव को लेकर के सरगर्मियाँ तेज हो चुकी हैं। हम अम्बेडकर नगर के नगर पंचायत इल्तिफातगंज सलारगढ़ मोहल्ले में इस वक्त मौजूद हैं और यहाँ की जनता और जनार्दन से इस बार जानेंगे कि अपने उम्मीदवार को आखिर क्या उनके मुद्दे हैं और क्या उम्मीदवारों के दावे और वादे हैं, इन सब को लेकर के आज हम सलारगढ़ मोहल्ले में पहुँचे हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ जनता जनार्दन हैं, हम इनसे बातचीत करना चाहेंगे। इस बार वोट की राजनीति किस प्रकार होगी, जातिगत पर विकास की क्या मांग है आप लोगों की? मांग है कि मतलब ये हरदम नाली खड़ंजा ये बना था, कोई नया मतलब मुद्दा बना ना है, कोई मतलब नया विकास होता ना है, जैसे कि कॉलेज हुआ या सरकारी अस्पताल हुआ, मजे भाई वादा करे थे लग रहा है इस बार नया अध्याय लिखा जाए। क्या कहेंगे, चुनाव सरगर्मी तेज है, क्या कहेंगे? सरगर्मी तो तेज ही है, किस मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, क्या क्या मांग है आपकी, क्या चाहते हैं, क्या विकास जो अब तक नहीं हुआ? विकास वही जैसे कॉलेज और डिग्री कॉलेज का जैसे वो है और मेडिकल जैसे कॉलेज भी इधर जैसे हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। जनता जो तरफ है यहाँ से जैसे अकबरपुर और टांडा पढ़ने जाती है, तो अगर यहाँ से हो जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। इसी के लिए प्रयासरत है और हर हालत में कोशिश है कि यहीं पे सब कुछ हो जाए, पब्लिक को अकबरपुर टांडा पढ़ने नहीं जाना पड़े, जो व्यवस्था है यहीं पे हो जाए जफाटीगंज में, तो सबके लिए ही अच्छा रहेगा। जैसे कि आपने सुना यहाँ की जनता जनार्दन बेहतर तरीके से शिक्षा व्यवस्था को लेकर काफ़ी उत्सुक नज़र आ रहा है, उसी शायद वही मुद्दा भी जनता जनार्दन का है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इल्तिफातगंज में लगभग 15 वार्ड हैं और लगभग यहाँ की 21,000 से ज़्यादा आबादी है और ये 7 वर्ग किलोमीटर में फैला है। हमारे साथ यहाँ के जो अध्यक्ष पद के मौजूदा में उम्मीदवार हैं अजय प्रसाधन उर्फ मोदी हैं, हम इनसे जानना चाहेंगे आखिर किन दावों और वादों को लेकर चुनावी मैदान में उतरे हैं जी। क्या
देखिए 1988 से हमारी नगर पंचायत कायम हुई है, 88 या 89 से, तो अभी तक लोगों का विकास क्यों हुआ? जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उनके लोगों का विकास हुआ है, और यहाँ पे जो हमारी 88 या 89 से, तो अभी तक लोगों का विकास क्यों हुआ? जो भी जनप्रतिनिधि हुए हैं उनके लोगों का विकास हुआ है, और यहाँ पे जो हमारी बेसिक जैसे वो चिकित्सा को लेकर, शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इस सब चीज़ों पे कुछ भी ध्यान नहीं दिया गया, केवल रोड खड़ंजा नाली पे ही विकास का काम हुआ। लोगों को ये पूर्ण विश्वास है कि हाँ मोदी भाई हमारे साथ में चले हैं, हर धर्म हर समुदाय के साथ चले हैं और आगे भी चलते रहेंगे। इस पूर्ण विश्वास के साथ हमें पूरी उम्मीद है कि जनता जिस हिसाब से फैसला देगी बहुत अच्छा देगी हमारे पक्ष में। अब ये तो आने वाला कल का वक्त ही बताएगा कि जनता जनार्दन यहाँ किस मुद्दों को लेकर किन उम्मीदवारों को चुनती है, ये वक्त ही फैसला बताएगा। कैमरा पर्सन ज्ञान प्रकाश पांडे के साथ राहुल पांडे, प्राइम टीवी, अम्बेडकर नगर। खबर औरैया से है, जहां गोद भराई कार्यक्रम में ऑटो से शामिल होने जा रहे परिवार को कंटेनर टक्कर मार दी। इस हादसे में परिवार के सभी लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की सहायता से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया है। बेला थाना अंतर्गत मलौसी के पास आज सुबह 7:30 बजे एक ऑटो जो कानपुर देहात से, उस पर एक ही परिवार के लोग सवार होकर के बिधोना की तरफ जा रहे थे, मलौसी के पास उसे पीछे से आ रहे कंटेनर के द्वारा टक्कर मार दिया गया, जिसमें 9 लोग सवार थे, सभी लोग घायल हो गए। घायलों को बेला पुलिस तत्काल मौके पर पहुँच करके CSC बेला ले आई, जहाँ उन्हें उनके स्थिति को दृष्टिगत देखते हुए उन्हें समुचित इलाज हेतु मेडिकल कॉलेज तिरवा रवाना किया गया है। खबर औरैया से, जहां सरकार के गड्ढा मुक्त अभियान की PWD और राजस्व विभाग के अधिकारियों की बड़ी लापरवाही सामने आई है। एरवा कटरा थाना क्षेत्र के छिबरामऊ रोड पर मोरंग भरे ट्रक गुजरने की वजह से पूरी सड़क बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से स्थानीय निवासियों को काफी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के मुखिया शिवपाल यादव आगरा पहुंचे, जहां पूर्व मंत्री CP राय के घर शोक संवेदना व्यक्त की। इस पर उन्होंने कहा कि राजनीतिक तौर पर खुद चाहते हैं कि उनका परिवार एकजुट हो। मैनपुरी के उपचुनाव पर उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी चुनाव लड़ाएगी तो चुनाव लड़ेंगे। राय साहब की मां के निधन पर शोक संवेदना देने आए, तो अभी तो ये तो पॉलिटिकल मामले होंगे, तो ये तो बात की बात नहीं, कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा। संभल में आपने एक बयान दिया था कि परिवार एकजुट है, क्या पॉलिटिकली तौर पर पूरा परिवार एकजुट तो नहीं दिख रहा बहुत ज़्यादा? चलिए जो आप लोगों को देख रहा है वही समझिए। आगे क्या भविष्य तय होना है, कुछ एक लाइन दीजिए। तो भविष्य तो आएगा जैसी परिस्थितियां होंगी। खबर कानपुर से है, जहां गाड़ी खड़ी करने को लेकर वकीलों ने होमगार्ड की पिटाई कर दी। पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। पीड़ित ने अधिवक्ताओं के खिलाफ थाने में मुकदमा दर्ज कराया, जिसके बाद पुलिस अधिकारी CCTV फुटेज के आधार पर अधिवक्ताओं की जांच पड़ताल में जुट गई है। हमने इस संदर्भ में अभियोग पंजीकृत किया है और विधि सम्मत कार्यवाही पुलिस के द्वारा की जा रही है। हम सभी साक्ष्यों को संकलित करके और न्यायालय के सुपुर्द कर देंगे, न्यायालय उस पर विचार करेगा। इस संदर्भ में कोतवाली में एक मुकदमा पंजीकृत किया गया है और वीडियो फुटेज पब्लिक से कलेक्ट किए गए हैं। पब्लिक से ये लोगों से अपील की गई थी कि जिसके पास भी इस संदर्भ में वीडियो फुटेज हों वो भेजें। लगभग 100 लोगों ने वीडियो फुटेज भेजे हैं और उन सभी वीडियो फुटेज का परीक्षण भी किया जा रहा है SSL के द्वारा। साथ में इसकी विवेचना के लिए जो आवश्यक चीज़ों का संग्रहण है और आवश्यक कार्य वो भी किए जा रहे हैं, तो माननीय न्यायालय के समक्ष सभी चीज़ों को प्रस्तुत कर दिया जाएगा, न्यायालय उस पर उचित विचार करेगा।
फिलहाल उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम टीवी। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।